सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। आपको बता दूं सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, गाजा ने रॉकेट फायर कर दिया है। जी हां, इसराइल की तरफ रॉकेट फायर किया। भारतीय वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे अचानक से पूरे इसराइल में हड़कंप मच गया और सायरन बजने लगे। सायरन बजना था और आयरन डोम का एक्टिव होना था। उधर से इसराइल की तरफ रॉकेट तेजी से बढ़ने लगा, इधर से आयरन डोम ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया। अब आपको बता दूं कि इस हमले को फेल तो कर दिया, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि इसराइल ने कहा है कि हम रेड अलर्ट पे हो चुके हैं। पूरे के पूरे इसराइल रेड अलर्ट पर आ चुकी है। इतना ही नहीं, हर जगह सायरन्स को एक्टिव कर दिया गया है और आयरन डोम एक्टिव हो गए हैं। एक तस्वीर पहले उस हमले की, जिस वक्त आयरन डोम के जरिए गाजा के मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। दोस्तों आपने देख लिया, हालांकि आपको बता दूं कि बड़ी मुश्किल से ये जानकारी सिर्फ हमने निकाली है और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और ध्यान से सुनिए, यह हमला गाजा की तरफ से तो किया गया था, लेकिन यह गाजा ने नहीं, हमास ने नहीं मिसाइल दागी थी इस्लामिक जिहाद के ग्रुप ने, जिसने अभी एक दिन पहले, हमने आज ही की रिपोर्ट में, दिन की रिपोर्ट में आपको कंफर्म किया था कि धमकी दी थी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इसराइल में इतना हड़कंप मच गया है कि पीएम बेनेट और इसके अलावा आईडीएफ के कमांडर और तो और इसराइल की मिलिट्री की सीनियर अधिकारियों की इस वक्त, जिस वक्त आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, मीटिंग, हाई कमांड की मीटिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों रॉकेट तो दाग दिया गया, भले ही उसको रोक दिया गया है, लेकिन अब जंग का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार फिलिस्तीनियों पर हो रहे मस्जिद अल अक्सा के अंदर जुल्म को अब फिलिस्तीन और गाजा, हमास और अलग अलग संगठन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अब आपको बताऊं कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर रोजेदार महिलाओं को भी हरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक तस्वीर देख लीजिए। قوات الاحتلال تعتدي على النساء بلي دايم. अब ऐसे ही हमलों की वजह से एक रॉकेट तो दागा गया। अब इस रॉकेट दागने के बाद आपको बता दूं हमास के लीडर की धमकी भी आई है, स्क्रीन पर देख लीजिए। आपको बता दूं कि हमास के लीडर आदिल हकीम हानिनी ने धमकी दी है कि हमारे लड़ाकों के उंगली जो है ट्रिगर पर है और हम कभी भी रेस्पॉन्स कर सकते हैं और हमला कर सकते हैं। बहरहाल हमास कई बार धमकी दे चुका है और ये एक बड़ी धमकी है, क्योंकि अब हमला करने के बाद धमकी दी गई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि गाजा की तरफ से रॉकेट दागने के बाद इसराइल भी कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है। दोस्तों बड़ी बात एक आपको और आखिर में बता दूं कि यूएन काउंसिल ने फिलिस्तीन में जो बवाल चल रहा है और जो मुद्दा अभी हाईलाइट हो गया है, यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसके अंदर जो है फिलिस्तीन का ही मुद्दा उठाया जाएगा। जिस मीटिंग को स्पेशल देशों ने, कुछ चंद देशों ने प्रेशर देके इस मीटिंग को बुलवाया है, जिसमें चाइना, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे, यूएई और यूएस, हालांकि इसमें इस्लामिक कोई देश नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मजे की बात यह है, अब आप यूएई सोच रहे होंगे तो यूएई किसकी तरफ है आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें मजे की बात दोस्तों यह है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को अब दुनिया देख रही है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने सोर्स से एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं। इजिप्ट की सरकार ने हमास को मैसेज दिया है कि आपके हमले के बाद, गाजा के रॉकेट के हमले के जवाबी कार्रवाई में इसराइल हमला जब करेगा, और वो करेगा जरूर, लेकिन आपको उसके हमले के बाद जवाबी कार्रवाई नहीं करनी होगी, मत करिएगा, ये सुझाव दिया है। बहरहाल ये क्यों किया है, क्यों दिया है, ये क्यों समझाया है, वो अलग पॉलिटिक्स है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, इंतजार कीजिएगा हमारी अगली रिपोर्ट का। जल्द ले जाएंगे और भी बड़ी खबरें फिलिस्तीन और इसराइल पर। कोई भी आपको खबर नहीं देगा, क्योंकि आप जानते हैं, आपको कई बार बता चुके हैं कि इस मुद्दे पर यूट्यूब एड नहीं चलाता है, तो बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस
रिपोर्ट को कवर नहीं करते हैं, लिहाजा आप लोगों की दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।